Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग कांग्रेस, मोहित, सुनील, आशीष, देवेश, संजय, निहारिका, मोनिका, शिवानी, पुनीत, धीरज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए जो है हम लोग रेलवे में जो स्पेशल है वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रेल परिवहन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेल परिवहन में जो भी पॉइंट था मैंने सारा पॉइंट बता दिया था। आज दो तीन पॉइंट और है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका बोगी व्हील पुल है, मिशन सत्यनिष्ठा है और नानी पुल है। हम इन तीन ब्रिजों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ लमसम जो है 20 उस पॉइंट हैं, उन 20 पॉइंट पर जो है हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, जो कि आप लोग जानते होंगे कि सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर की जो डेट है एग्जाम की वो आ चुकी है, तो इसलिए आप लोग अब जुट जाइए और ये टारगेट कर लीजिए कि हमको जो है इस बार जो एग्जाम देंगे उसको क्वालिफाई करना है और 2021 तक जॉब ले लेना है। जैसे कि आपको पता होगा टारगेट 2020 की बैच हमारी चल रही है, टारगेट 2021 की, तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िए, जिसमें जो है शाम को 4 बजे आपकी रीजनिंग चल रही है। कल से स्टार्ट हुई, कल हमने स्ट्रेटजी बताई कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। आज जो है हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो आप 4 बजे लाइव आना वहां ना भूलें। उसके बाद कल से आपकी मैथ की क्लास एक स्टार्ट हो रही है, जो कि 9 बजे स्टार्ट होगी सुबह, ठीक, 9 बजे नहीं 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी। और आर के वाई सर की इंग्लिश की बैच चल रही है, उसको आप अगर देखेंगे तो ग्रामर में जो बच्चे भूल जाते हैं, ग्रामर नहीं तैयार हो पाता उनका, मेन रीजन है कि उनका बेस नहीं मजबूत। तो इसलिए आर के बाई सर की क्लास जरूर देखिए, वहां से आप लोगों को बेस मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि कौन सी बैच हमने पढ़ाई और क्या पढ़ाया, ठीक, तो उससे आपको फायदा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज देखते हैं, हम लोग पहले चर्चा करेंगे बोगी व्हील पुल। देखिए इसका जो नया नाम है वो नया नाम है अटल सेतु, चित्र आप लोग देख रहे होंगे यही आपका बोगी व्हील पुल है। भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे सड़क पुल बोगी व्हील पुल या अटल सेतु है, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। तो यानी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क है। मतलब इसमें ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे सड़क भी है, तो ये क्या है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि रेलवे और जो हमारा जो है सड़क है वो दोनों इस पे बनी हुई है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल है ये। जो है आपका कहां पे है, ये आपका डिब्रूगढ़ या असम से, असम से धेमाजी जिले तक जाता है, और धेमाजी आपका है अरुणाचल प्रदेश में, और डिब्रूगढ़ आपका है असम में, ठीक। तो असम से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है कौन सा पुल, भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है जिसका नाम अटल सेतु है, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह पुल बना हुआ है। और एक चीज समझ लीजिए, इसकी जो लंबाई है वो 4.94 किलोमीटर है, ठीक। तो जो आपका बोगी व्हील पुल है, इस पुल के बन जाने से ना असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है
लगभग 600 किलोमीटर कम की हो गई। ठीक, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी जो है वो 600 किलोमीटर कम हो गई इसी पुल के बन जाने से। ठीक, आप लोग एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जो है आके जुड़ जाए। जिनको जिनको रेलवे का एग्जाम देना है वो लोग इसको जरूर देखें। ठीक, तो चूंकि आप देख रहे होंगे कि सभी एग्जाम जो है वो यही लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थात सितंबर से स्टार्ट होना है, तो सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और रेलवे भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर रेलवे का एग्जाम नहीं होगा तो बच्चे इतने दिन से वेट कर रहे हैं भाई, 2018 की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई है। ठीक, तो बच्चे शांत नहीं बैठेंगे ज्यादा दिन तक, तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोग इसको जो है पूरा देखिए और अगर आपको फायदा ना मिले तो बताइएगा। तो चलते हैं, तो क्या हुआ कि ये बना कब आपका, तो ये 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया अर्थात असम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, देश को समर्पित किया गया कब, 25 दिसंबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जोड़े से हमारे देश को समर्पित किया गया। और अगर इसकी नींव की बात करें तो इसकी नींव रखी थी एचडी देवगौड़ा साहब ने। ठीक, तो नींव किसने रखी थी, एचडी देवगौड़ा साहब ने रखी थी। और इसका जो उद्घाटन किया अर्थात इसका जो पूरा निर्माण खत्म करवाया वो करवाया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो है ना, जो हमारा बोगी बील पुल है ये पूरी तरीके से इस्पात का बना हुआ है। इस्पात का मतलब होता है स्टील। ठीक, तो जो ये बोगी बील पुल है हमारा ये पूरी तरीके से स्टील का बना हुआ है। किसका बना है, स्टील का बना है और इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगा, इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगा है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगा है, ये भारत का पूर्ण बोल्टेड सेतु। ठीक, इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगाया गया है, ये पूरी तरीके से वेल्डिंग किया गया है और भारत का एकमात्र पूर्ण वेल्डेड आपका सेतु है। ठीक, तो ये चीज था जो कि अटल सेतु के बारे में प्रमुख प्रमुख जानकारियां थी, वो सारी जानकारियां हमने बता दी। अगला जो टॉपिक है आपका, हाँ मुकेश, आपकी क्लास डेली जो है 8 बजे से चलती थी, आज थोड़ा लेट हो गया, 8:15 से चली है आज, लेकिन 8 बजे से आपकी क्लास डेली चलेगी। 8 बजे से आपकी क्लास ये चलेगी, उसके बाद जो आपकी मैथ की क्लास चलेगी वो 10 बजे से चलेगी और रीजनिंग की जो क्लास है वो 4 बजे शाम को है। ठीक, तो आज से हम लोग रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग वहां आना ना भूलिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम, जो हमारा नानी पुल है वो क्या है। अभी तक आप लोग सुने नहीं होंगे इसके बारे में, कौन कौन सुना है जल्दी से कमेंट करिए बताइए, कौन सुना है नानी पुल के बारे में, कौन सुना है। तो चलिए देखते हैं, नानी रेलवे, देखिए जो नानी रेलवे पुल है ना, एक जिरीबाम तुबुल इम्फाल परियोजना है, अब नाम ही नहीं सुने होंगे, जिरीबाम तुबुल इम्फाल परियोजना, इसी परियोजना के अंतर्गत ये पुल बनाया गया नानी रेलवे पुल। और एक बात सुन लीजिए, ये इजाई नदी के तट पर बनाया गया है, किस नदी के, इजाई नदी के तट पर बनाया गया है। ठीक, इजाई नदी के तट पर बनाया गया है और ये 111 किलोमीटर लंबी 111 किलोमीटर लंबी
जीवाम तुबुल इम्फाल परियोजना का हिस्सा। ठीक, इसके पूरा हो जाने के बाद ना, ये जब परियोजना पूरा हो जाएगा तो इसके पूरा हो जाने के बाद इसके जो खंभे लगे हुए हैं उन खंभों की लंबाई जो होगी वो 141 मीटर होगी। किसकी लंबाई? खंभों की लंबाई। ठीक, इसके खंभों की लंबाई 141 किलोमीटर होगी और इसकी लंबाई जो होगी इस पुल की लंबाई, इस पुल की लंबाई 705 मीटर होगी। ठीक, तो इस पुल की लंबाई जो होगी वो लगभग 705 मीटर होगी और इस पुल के खंभे की लंबाई 141 मीटर होगी। ठीक, और ये इजाई नदी के तट पर बनाया जा रहा है, तो प्रश्न केवल यही इतना बनेगा कि जो नानी रेलवे पुल है ये किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है, तो इजाई नदी के तट पर बनाया जा रहा है या फिर यह किस परियोजना का हिस्सा है, तो यह जीवाम तुबुल इम्फाल परियोजना का हिस्सा है। या फिर एक प्रश्न ये बन सकता है कि इस पुल के बनने से किन किन जगहों पर आने जाने से मतलब फायदा होगा, मतलब किन किन जगहों पर आने जाने की दूरी कम हो जाएगी, तो उसको आइए देखते हैं। इसके बन जाने से ना मणिपुर, ठीक, मिजोरम, ठीक, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, यहां पुल, और कहां से जाने से, यानी कि बिहार से, बिहार से, बिहार से जब आप यहां जाएंगे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, तो और बिहार से देखिए किशनगंज के रास्ते जब जाएंगे तब आपको ये पुल मिलेगा। बिहार से जब आप किशनगंज के रास्ते जाएंगे तो आपको जो है ये पुल मिलेगा, और इस पुल से आप कहां कहां जा सकते हैं, देखिए मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अर्थात जो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां पे हम जो है किसी भी राज्य में जा सकते हैं, और जो राज्य कौन से हैं पांचों राज्य के नाम हमने लिख दिए हैं। तो ये इतना पॉइंट जो है नानी रेलवे पुल से बनता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा है मिशन सत्यनिष्ठा। आगे हम लोग देखेंगे मिशन सत्यनिष्ठा। आखिर मिशन सत्यनिष्ठा क्या है? तो 27 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जितने भी मतलब नई दिल्ली के संग्रहालय में ये सब हुआ। तो होता क्या है कि नई दिल्ली के संग्रहालय में ना लोक नैतिकता के मामले में शपथ दिलाई जाती है सभी अधिकारियों को, सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाती है, तो वही है मिशन सत्यनिष्ठा। तो प्रश्न केवल इतना बन सकता है कि मिशन सत्यनिष्ठा का आरंभ कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2018 को आरंभ हुआ था। आरंभ किसने करवाया था? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने आरंभ करवाया था। यह जो मिशन सत्यनिष्ठा है इसकी शपथ कहां दिलवाई गई थी? तो नई दिल्ली के म्यूजियम में दिलवाई गई थी, संग्रहालय में दिलवाई गई थी। ठीक, तो ये इतना पॉइंट जो है इससे बनता है। ठीक, ये इतना पॉइंट इससे बनता है। अब देख लीजिए कुछ हमारे पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10-20 पॉइंट है, हम उसको लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। इसको जो है आप लोग समझिए एक बार कि क्या है। चलिए आज हम 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि जो मतलब कि दुनिया की पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन जो कि जर्मनी में चल रही है, जिसका नाम है आई लिंट। ठीक, जर्मनी में चल रही है, उसका नाम है आई लिंट। लेकिन जर्मनी में चल तो रही है, लेकिन उसका निर्माण जर्मनी ने नहीं किया है, उसका निर्माण फ्रांस की एक कंपनी है अलिस्टाम। तो फ्रांस की एक कंपनी अलिस्टाम ने उसका निर्माण किया, और लेकिन चल कहां रही है, जर्मनी में चल रही है। वही दूसरा पॉइंट देखिए, मतलब कि अपना 130 वर्ष पूरा करने वाला रेलवे स्टेशन, मतलब किस रेलवे स्टेशन ने मई 2018 को अपने निर्माण का 130 वर्ष पूरा किया, तो मई 2018 की बात हो रही है, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है उसने जो है कितना समय पूरा किया, 130 वर्ष। तो देखिए, बदले गए स्टेशनों के नाम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको जरूर देखिए, ठीक, या वीडियो खत्म होने के बाद आपको लास्ट में दो मिलेगा वीडियो, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एक चीज सुन लीजिए कि मतलब कि ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर 105 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रेलवे इंजन लगाया गया है। ठीक, 5 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रेलवे मतलब रेलवे इंजन लगाया गया है, वो है दरभंगा रेलवे स्टेशन। तो दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जब आप जाएंगे तो स्टेशन के बाहर एक रेल का इंजन लगाया गया है प्रदर्शनी के लिए। तो वो रेल इंजन जो लगा हुआ है वो हमारा कितने वर्ष पुराना है, 105 वर्ष पुराना है, 1913 में इंग्लैंड में यह इंजन बना था। ठीक, 1913 में इंग्लैंड में यह इंजन बना था। आगे देखते हैं, जो भारत की चेन्नई में स्थित रेल फैक्ट्री है ना, ICF का मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो जो चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये विश्व की, भारत की जो है चेन्नई में स्थित जो फैक्ट्री है ये केवल भारत की नहीं विश्व की सबसे लंबी रेल मतलब सबसे बड़ी रेल फैक्ट्री बन गई है। ठीक, और इस रेल फैक्ट्री ने ना चेन्नई को भी मात दे दी है, मतलब चेन्नई को भी पिछाड़ दिया है। वहीं अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो आप लोग सुने होंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई जो कि 4 मार्च 2019 को शुरू की गई और ये चंडीगढ़ से चलेगी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट जो थे हमारे रेलवे स्पेशल के, हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। आप लोग घटना चक्र या प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, वहां से सॉल्व करिए, देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और शेयर करते होंगे। ठीक, लाइक भी किया कीजिए, आप ही लोगों के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, आप ही लोगों को कि कुछ ना कुछ आपको दिया जाए, और हम लोग लगातार उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होगा स्टैटिक जीके में, वो हमारा टॉपिक होगा वादक यंत्र और वादक तथा संगीतकार। ठीक, प्रमुख वादक यंत्र क्या है, वादक मतलब कौन कौन उसके वादक हैं, और संगीतकार कौन कौन से हैं, तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, 8 बजे सुबह क्लास चलती है आपकी। ठीक, तो 8 बजे आप उपस्थित होइए, और शाम को 4 बजे रीजनिंग में जरूर आइए, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ गया है। नजदीक का मतलब कि एग्जाम की डेट आ गई है, और डेट आ गई है तो जान लीजिए एग्जाम आ गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।